साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को अस्करी हसास तनसीबात पर हमलों का मनसूबा 8 मई को जमान पार्क में तैयार होने का इंकशाफ हुआ है। पीटीआई क्यादत की 6 अहम शख्सियात का रिकॉर्ड सामने आ गया। जिन शख्सियात का रिकॉर्ड सामने आया है इनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल, सैनिटर एजाज अहमद और मुराद रास शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी से कबल ही हसास तनसीबात पर हमलों का मनसूबा 8 मई को जमान पार्क में तैयार किया गया। तहकीकात के दौरान इमरान रूस के बलवे में 154 मोबाइल नंबर्स मुश्तरक पाए गए, जिनसे अहम पीटीआई रहनुमाओं का रिकॉर्ड सामने आ गया। सानहे 9 मई के हवाले से तश्कील करदा जियो फेंसिंग रिपोर्ट के मुताबिक यास्मीन राशिद का शरपसंदों से 41 बार, हमाद अजहर का 10, मुराद रास का 23, महमूद रशीद का 75, असलम इकबाल का 16 और एजाज चौधरी का 50 बार राबता हुआ। पुलिस जराए के मुताबिक टेक्निकल तजिये और जियो फेंसिंग से तहरीक इंसाफ की आला क्यादत से राबतों से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से 9 मई के वाकयात की तहकीकत रिवायती तरीकों के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी से जारी है। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की नैब के हाथों गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे, जिनके दौरान आर्मी तनसीबात पर हमलों के साथ साथ दीगर कौमी और निजी इमलाक को भी जलाया गया था। इस हवाले से लाहौर में जिला हाउस और अस्करी टावर, फैसलाबाद में ISI का ऑफिस, रावलपिंडी में JHQ और हमजा कैंप, मियावाली में PAF एयरबेस और गुजरावाला कैंट हमलों में मुबैना तौर पर मुलविस अफराद के राबतों का रिकॉर्ड तैयार करके वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया गया है। वजीर आला पंजाब को भेजी गई दस्तावेजात में बताया गया है कि जियो फेंसिंग समेत मुख्तलिफ तरीकों से तफ्तीश के बाद हमला आवरों के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुबैना राबतों के शवाहिद भी जमा कर लिए गए हैं। IG ऑफिस की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट में मुबैना हमला आवरों की शिनाख्त के बाद आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जो सिफारिश की गई है, इसमें इमरान खान समेत कई अहम रहनुमाओं को नामजद किया गया है। सूबाई वजीर इत्तला'आत आमिर मीर ने इस रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जदीद टेक्नोलॉजी और रिवायती तरीकों से शवाहिद की बुनियाद पर फौजी तनसीबात और सिविल मकामात पर जिन हमला आवरों की निशानदेही की है, इनमें से कई अफराद के PTI क्यादत से राबते साबित हो चुके हैं। आमिर मीर का कहना है कि इस रिपोर्ट के बाद कोई शक व शुबा नहीं रहा कि 9 मई के वाकयात मनसूबाबंदी और सोची समझी साजिश के तहत किए गए हैं। रिपोर्ट में बाज ऐसे अफराद की भी निशानदेही की गई है जो जिना हाउस और अस्करी टावर दोनों मकामात पर हमलों में मुलविस पाए गए हैं। लाहौर में जिना हाउस पर हमला केस में मुबैना तौर पर मुलविस अफराद में साबिक वजीर खजाना सलमान शाह की बेटी और साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जज्जुआ की नवासी खदीजा शाह भी शामिल हैं, जिन्होंने मंगल को खुद को पुलिस के हवाले किया, जबकि बुध 24 मई को एक और खातून हुमा सईद को पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके शनाख्त पीरियड के लिए 7 रोजा रिमांड हासिल कर लिया। दूसरी जानिब IG ऑफिस की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट की दस्तावेजात के मुताबिक 154 ऐसे अफराद की निशानदेही हुई है जो 8 मार्च से मुबैना तौर पर जमान पार्क में मौजूद थे, और वही अफराद मुबैना तौर पर 9 मई को जिना हाउस पर हमले में मुलविस पाए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन अफराद को इमरान खान से हिदायत मिली और 215 ऐसी फोन कॉल्स ट्रेस हुई जो तहरीक इंसाफ के 6 मरकजी रहनुमाओं को की गई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रावलपिंडी में GHQ पर हमले में मुबैना तौर पर मुलविस हमला आवरों से PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं की 88 कॉल्स का रिकॉर्ड मिला है। ताहम सवाल पैदा होता है कि जियो फेंसिंग क्या है और सानहे 9 मई के मुलजिमान को मोबाइल नंबर से कैसे ट्रेस किया गया। लाहौर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख के मुताबिक जियो फेंसिंग एक ऐसा जदीद निज़ाम है जिसके जरिए जाए वकूँ पर मौजूद मोबाइल फ़ोन के सिग्नल टावर के जरिए ये मालूम किया जा सकता है कि इस मकाम पर कौन से फ़ोन नंबर पर कॉल आई और गई, इस जगह पर कौन सा मोबाइल नंबर कितनी देर तक रहा और फिर किस सिमत में गया। नुमान शेख ने बताया कि ये निज़ाम हमारी खुफिया एजेंसियों के पास है, जब पुलिस को ज़रूरत होती है तो इससे दरख्वास्त करके खिदमात हासिल की जाती हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई को फौजी तनसीबात और जलाओ घेराव के वाकयात में भी जियो फेंसिंग की मदद से मुलजिमान को ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये भी मालूम कर रही है कि सामने आने वाले नंबर का मोबाइल रखने वाला शख्स कितनी देर तक जाए वकूँ पर रहा और किस तरफ गया। अगर कोई फौरी रवाना होकर
दूर दराज गैर मुतालिका इलाके में चला जाएगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कोई राहगीर था। सुबह पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर इस बारे में कहते हैं कि इस निज़ाम के तहत जाए वारदात पर मौजूद नंबर्स की तफसील नादरा को भिजवाई जाती है और फिर इन नंबरों की तफसीलात निकाल कर शनाख्त फराहम की जाती है। आमिर मीर कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जियो फेंसिंग कॉल डाटा रिकॉर्ड CDR CCTV कैमरों सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से मुलजिमान की निशानदही की है। दूसरी जानिब सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाने का फैसला हो चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब इस बारे में कहते हैं ये तय हो चुका है कि फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस तमाम मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट 1952 के तहत होगी। सिविल मकामात पर जलाओ घेराव तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत सिविल अदालतों में ही कार्रवाई होगी। आमिर मीर के बकौल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फरूख हबीब, यासमिन राशिद, मुराद रास, मुराद सईद, मियाँ महमूदुर रशीद, मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, मियाँ असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, असद जमान, महर शराफत अली, सैफुल्ला नियाजी, हसन नियाजी, जुबैर नियाजी और मोहम्मद शाहिद समेत दीगर के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई होगी। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।